सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, सर्दियों का मौसम पास में आने लग रहा है और ऐसे में रूम हीटर्स की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है। इंडिया में बहुत ज्यादा सर्दी होती है, कुछ कुछ कोने तो ऐसे होते हैं जहां पर एक्सट्रीम जो है वेदर कंडीशंस होती है, तो वहां पर हर एक घर में रूम हीटर होना कंपलसरी हो। लेकिन सवाल ये आता है कि रूम हीटर ले तो ले कौन सा। अब बेसिकली तीन तरीके के रूम हीटर आते हैं दोस्तों, रेडिएंट रूम हीटर, कन्वेक्शन रूम हीटर, ऑयल फील्ड रूम हीटर। इनमें जो सबसे ज्यादा बजट फ्रेंडली और चलने वाला रूम हीटर होता है वो होता है रेडिएंट रूम हीटर, उसके बाद में कन्वेक्शन, एंड जो ऑयल फील्ड रूम हीटर होते हैं वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं। कन्वेक्शन और ऑयल फील्ड रूम हीटर पर हमने डेडिकेटेडली वीडियो बनाई हुई है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं इंडिया में आने वाले टॉप 5 बेस्ट रेडिएंट रूम हीटर, जो कि आप लोगों को बजट में मिलेंगे, बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया मिलेगी, ड्यूरेबिलिटी अच्छी मिलेगी, एंड आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए उन्हें कंसिडर कर पाओगे। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम लोग मार्केट में जाते हैं ऐसे प्रोडक्ट खरीदने, किसी भी डीलर के पास जाते हैं और उससे हम कहते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, तो वो डीलर अपना प्रॉफिट मार्जिन देखते हुए ही हमें प्रोडक्ट बताता है जिसमें उसको डेफिनेटली ज्यादा फायदा होगा और जो कस्टमर है उसको नुकसान होगा। तो ऐसे में जरूरी है कि आप लोग कुछ पहले ऐसी चीज जान लो जो जरूरी होती है एक रूम हीटर खरीदने से पहले, ताकि आप लोगों का डिसीजन कभी भी गलत ना हो पाए और आप पहली बार में ही अपने लिए परफेक्ट प्रोडक्ट चूज कर पाए। अब दोस्तों, जो रेडिएंट रूम हीटर होते हैं ना, ये जनरली सबसे ज्यादा कन्वीनियंट, हेल्दी और पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट होते हैं। कन्वेक्शन एंड ऑयल फील्ड रूम हीटर से कंपैरेटिवली काफी ज्यादा सस्ते भी होते हैं। अब जो रेडिएंट रूम हीटर होते हैं ना, उसमें हीटिंग एलिमेंट का यूज होता है और उसमें आप लोगों को बेसिकली तीन अलग अलग तरीके के हीटिंग एलिमेंट मिल जाते हैं, जैसे कि एक होता है क्वार्ट्ज एलिमेंट, एक होता है हैलोजन एलिमेंट और एक होता है कार्बन एलिमेंट। दोस्तों, इन सभी एलिमेंट्स का जो पावर कंजप्शन है वो लगभग सेम होने वाला है, लेकिन फिर भी जो कार्बन एलिमेंट के रेडिएंट रूम हीटर्स होते हैं वो ज्यादा अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि वो ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करते हैं। और इन तीनों में जो सबसे पुअर क्वालिटी के एलिमेंट माना जाता है वो होता है क्वार्ट्ज हीटिंग एलिमेंट। तो यहाँ पे हमें प्रीफर करना है कि अगर हमें कार्बन एलिमेंट मिलता है रेडिएंट रूम हीटर के अंदर, तो हम उसको कंसिडर। इसके अलावा ना, रूम हीटर ऐसी चीज है भाई कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी खतरा रहता है और वो गर्म भी होता है, तो आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उनको आप लोगों को रूम हीटर से दूर रखना है, और रूम हीटर भी हमें ऐसा देखना है जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम सेफ्टी लेवल्स, मतलब सेफ्टी फीचर्स हम लोगों को मिल जाए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है दोस्तों, रेडिएंट और कुछ कुछ कन्वेक्शन रूम हीटर में क्या होता है, जब हम चलाते हैं तो ऑक्सीजन बर्न होता है। कई बार हम लोगों को सुनने में भी आता है कि कुछ लोग थे, रूम हीटर चलाया, रात को सो गए एंड सुबह उठे नहीं। तो डरने की जरूरत नहीं है, ये चीज होती है, लेकिन कब होती है दोस्तों, कि हम बहुत ही लो क्वालिटी के रूम हीटर ले लेते हैं और घर में चला के सो गए रात को, और आपके रूम में वेंटिलेशन नाम की चीज ही नहीं है, तो ऐसे में ऑक्सीजन बर्न हो जाती है, ऑक्सीजन आपके रूम की खत्म हो जाती है और वहां पे सफोकेशन होनी शुरू हो जाती है। तो आप लोगों को मैं अपनी तरफ से बोलूंगा कि आपके घर में भले ही कन्वेक्शन रूम हीटर हो या रेडिएंट रूम हीटर हो, जब भी आप उसको चला के सो रात में, तो आपके रूम में कुछ विंडो ग्लास या थोड़ा बहुत वेंटिलेशन एरिया आप लोगों ने खुला छोड़ देना है, ताकि ऑक्सीजन बढ़ने की कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि जब रूम हीटर चलाते हैं तो वो हवा में से मॉइस्चर खत्म कर देता है, मतलब ये ह्यूमिडिटी रहती है उस पर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, जिससे हमें ड्राइनेस, इचिंग वगैरह फील होने लग जाती है, सर्दी में तो स्किन वैसे भी फटती है। तो इस चीज का एक छोटा सा सिंपल सॉल्यूशन बता देता हूं आप लोगों को, आप जब भी रूम हीटर यूज कर रहे हो अपने रूम में, तो अपने रूम में एक छोटा सा पानी का बोल लेके रख लो, तो आप लोगों का जो ह्यूमिडिटी लेवल है ना, वो काफी हद तक मेंटेन रहेगा। इसके अलावा एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो हीटर ले रहे हो उसका हीटिंग एरिया कितना है और उसका हीटिंग टाइम कितना है, कितने एरिया को कितनी देर में वो गर्म कर देगा। ये नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही खाता रहे, काम भी उसका प्रॉपर होना चाहिए। अंदाजन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ऐसा रूम हीटर लीजिए जो 150 या 200 स्क्वायर फीट के रूम को एक से डेढ़ घंटे में या दो घंटे में मैक्सिमम अच्छे से गर्म कर दे। अब रेडिएंट जो रूम हीटर होते हैं सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट होते हैं, इनमें एक थोड़ा सा कौन भी होता है, वो ये है कि जब पावर बंद कर दोगे तो उसके बाद में हीटिंग बहुत जल्दी चली जाती है, लॉन्ग टर्म हीटिंग ये आपको प्रोवाइड नहीं कराता, वो आप लोगों को ऑयल कूल्ड रूम हीटर में मिलता है। इसके अलावा वारंटी एंड आफ्टर सेल सर्विस आप लोगों को देखनी जरूरी है, ऐसे ही ब्रांड का प्रोडक्ट लिए जिसकी वारंटी आप लोगों को मिल जाए, ड्यूरेबल प्रोडक्ट हो, एंड अगर कोई दिक्कत आ जाए इनकेस तो उसकी सर्विस भी इजिली हो जाए। हालांकि रेडिएंट रूम हीटर में कोई ऐसी खास चीज नहीं होती है, सिर्फ हीटिंग एलिमेंट ही होता है और वो इजीली रिपेयरेबल होता है, आप कहीं भी उसको करा सकते हैं। बट फिर भी हम लोगों ने इस वीडियो में आप लोगों के लिए सबसे अच्छे प्रोडक्ट रखे हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम आपसे बात करने वाले हैं इंडिया में आने वाले टॉप 5 बेस्ट रेडिएंट रूम हीटर्स की, जो कि 1000 रुपीज से शुरू होकर मैक्सिमम 3000 रुपीज तक के आप लोगों को मिल जाएंगे, एंड आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करेंगे।
तो बिना किसी देरी करे दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत चौधरी, यू आर वॉचिंग प्रोडक्ट बाजार, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो नंबर 5 पर भाई जो रेडिएंट रूम हीटर आता है, यहाँ पर ये आता है लाइफ लॉन्ग की तरफ से आने वाला रेगुलर रेडिएंट रूम हीटर। ये एक काफी बढ़िया ड्यूरेबल प्रोडक्ट है एंड इसमें आप लोगों को 800 वोट की पावर कंजप्शन मिल जाएगी। इसमें बेसिकली आप लोगों को क्वार्ट्स एलिमेंट मिलता है एंड 2 क्वार्ट्स हीटिंग ट्यूब्स आप लोगों को इसमें मिल जाती है, जिसको आप 400 वोट पे भी यूज कर सकते हो और दोनों को यूज करोगे तो 800 वोट पे भी यूज कर सकते हो फॉर मैक्सिमम हीटिंग। इस रूम हीटर से आप अपने 150 से लेके 175 स्क्वायर फीट तक के रूम को इजीली गर्म कर सकते हो, काम में ले सकते हो, कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। और इसमें ना आप लोगों को फ्रंट ग्रिल भी मिल जाती है फॉर सेफ्टी एंड स्टेनलेस स्टील रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है। ये ना ABS मटेरियल बॉडी से बना हुआ है, मतलब ड्यूरेबल काफी ज्यादा है और इसको इस तरीके से बनाया गया है जिसकी वजह से इसका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो कम से कम हो। ISI मार्क प्रोडक्ट है दोस्तों ये, और ब्रांड आपको इस पे 1 साल की वारंटी देती है। एंड यही नहीं, इसमें आप लोगों को होम सर्विस मिल जाती है विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर आपके घर पे सर्विस आप लोगों को लाइफ लॉन्ग की तरफ से मिल जाएगी। और बात करें प्राइस की तो बहुत ही बेहतरीन प्राइस में आप लोगों को मिलता है, सिर्फ 1100 रुपीज का ये प्रोडक्ट दोस्तों होने वाला है एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से ये आप लोगों के लिए काम भी करेगा फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका और जितने भी रूम हीटर्स मैं आप लोगों से इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ उन सभी का बेस्ट बाय लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। बट फिलहाल लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, जो कि आता है भाई उषा की तरफ से आने वाला क्वार्ट्ज रूम हीटर। अब उषा इज ए वेरी वेल नोन ब्रांड और नाम में क्वार्ट्ज आ रहा है तो वी नो कि इसमें अपने को क्वार्ट्ज एलिमेंट मिलता है। 2 क्वार्ट्ज हीटिंग ट्यूब भी इसमें आप लोगों को मिल जाएगी, 800 वोट की पावर कंजप्शन के साथ में आप लोगों को मिलेगा। 150 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए कोई भी इशू आप लोगों को इसमें नहीं आएगा, और वही सेम इसको भी आप 400 वोट पे भी यूज कर सकते हो एंड 800 वोट पे भी यूज कर सकते हो। इसमें ना आप लोगों को ओवरहीट प्रोटेक्शन भी मिल जाता है एंड अगर कुछ ऐसा इशू आएगा तो ये ऑटोमेटिकली शट ऑफ भी हो जाएगा, जिससे आप लोगों के रूम हीटर के खराब होने के चांसेस नहीं रहेंगे। अब इस रूम हीटर की जो बॉडी है ना वो बेसिकली पाउडर्ड कोटिंग बॉडी है। पाउडर कोटेड होने से क्या होता है कि रस्ट प्रूफ ये काफी हद तक हो जाता है, रस्टिंग वगैरह का कोरिजन का इतना ज्यादा कोई इशू आप लोगों को इस रूम हीटर में देखने को नहीं मिलेगा। ये भी दोस्तों एक ISI मार्क प्रोडक्ट है और 1 साल की वारंटी के साथ में आप लोगों को मिल जाएगा सिर्फ 1300 रुपए में, 1300 रुपीज ओनली। हाँ, इस प्राइस रेंज के अंदर एक काफी बढ़िया ऑप्शन आप लोगों के लिए ये भी हो सकता है, इसका भी बेस्ट बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की, जिसमें आप लोगों को दूसरे हीटिंग एलिमेंट मिलते हैं और इनसे थोड़ा बेटर तरीके से काम करेगा। तो नंबर 3 पर भाई यहां पर आता है बजाज की तरफ से आने वाला RX2 रेडिएंट रूम हीटर। इस रूम हीटर में भी आप लोगों को 800 वोट की पावर मिल जाएगी, हेलोजन एलिमेंट का इसमें आप लोगों को इस्तेमाल मिलेगा। हेलोजन एलिमेंट क्वार्ट्ज एलिमेंट से बेटर होता है और एफिशिएंट भी होता है। अब इसको भी आप डुअल हीटिंग मोड पे चला सकते हो 400 वोट एंड 800 वोट एंड 150 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए काफी इजीली आप इसको यूज कर सकते हो। ड्यूअल सेफ्टी सिस्टम इसमें आप लोगों को मिल जाएगा, जिसमें थर्मल फ्यूज और सेफ्टी स्विच आप लोगों को मिल जाता है फॉर सेफ्टी पर। ABS मटेरियल बॉडी के साथ में ये आता है, ड्यूरेबल होने वाला है प्रोडक्ट एंड एडजस्टेबल थर्मोस्टेट फीचर्स में मिल जाता है फॉर सेफ्टी शट ऑफ। गाइज ये भी ISI मार्क प्रोडक्ट है और खास बात यह है कि इस पे ना आप लोगों को 2 साल की वारंटी मिलती है। प्राइस अराउंड 1400 रुपीज है, 100-200 रुपए कम ज्यादा होता रहता है, बट डेफिनेटली एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन ना आप लोगों के लिए हो सकता है विद हेलोजन एलिमेंट। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। लेकिन अब बात करते हैं हमारी लिस्ट पे आने वाले सेकंड नंबर के प्रोडक्ट की, जिसका नाम है हैवेल्स कोजियो रेडिएंट रूम हीटर। 800 वोट के पावर कंजप्शन के साथ में 150 स्क्वायर फीट के रूम के लिए इजिली कंपेटेबल है ये एंड क्वार्ट्ज एलिमेंट का इस्तेमाल हुआ है इस रूम हीटर। 2 क्वार्ट्ज हीटिंग ट्यूब बेसिकली इसमें मिलती है, तो आप सिंगल को भी यूज कर सकते हो और 800 वोट पे दोनों को भी यूज कर सकते हो। सेफ्टी के लिए इसमें आप लोगों को फ्रंट ग्रिल मिल जाएगी एंड रस्ट फ्री स्टेनलेस स्टील रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है। रिफ्लेक्टर बेसिकली वो होता है जो हीट ट्यूब्स में से एयर फ्लो प्रोवाइड कराता है, तो ये भी यहां पर एक काफी अच्छी चीज है। ABS मटेरियल बॉडी आप लोगों को इस रूम हीटर में मिलती है एंड इसमें आपको कैरी हैंडल भी मिल जाएगा ताकि इजीली आप इसको ले जा पाए कहीं पर भी। थर्मोस्टेट फीचर के साथ में दोस्तों ये रूम हीटर आता है, ब्रांड इस पे आप लोगों को 2 साल की वारंटी प्रोवाइड कराती है। ISI मार्क प्रोडक्ट है एंड 24 आवर्स के अंदर होम सर्विस आप लोगों को इसकी मिल जाएगी। बात करें प्राइस की तो आज के रेट में 1900 रुपीज इस हैवेल्स के रूम हीटर का प्राइस होने वाला है और बहुत ही कमाल का एंड ट्रस्टवर्दी प्रोडक्ट दोस्तों ये, अंडर ₹2000 आप लोग अपने घर के लिए डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। तो इसका भी लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं हमारी लिस्ट पे आने वाले टॉप प्रोडक्ट की, और ये है भाई महाराजा वाइल्ड लाइन की तरफ से आने वाला
लावा कार्बन एलिमेंट का रूमीटर। इसमें दोस्तों आप लोगों को 1200 वोट की पावर कंजप्शन मिलेगी, मतलब जो हीटिंग होगी वो काफी जल्दी से आप लोगों को प्रोवाइड कराएगा। 175 स्क्वायर फीट तक का अगर आपका रूम है तो कोई भी इशू आप लोगों को इसमें नहीं आएगा। सबसे खास बात यह है कि इसमें कार्बन एलिमेंट का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें आप लोगों को 3 कार्बन हीटिंग ट्यूब्स मिल जाती है, जिसको आप 400 वोट पे भी चला सकते हो, 800 वोट पे भी चला सकते हो एंड 1200 वोट पे भी चला सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। एंड इसमें ना आप लोगों को लो ग्लेयर मिलती है। लो ग्लेयर बेसिकली क्या होता है कि आपकी आंखों के लिए कंफर्ट रहता है एंड आप लोगों को एक वॉर्म सा कोजी सा ये एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएगा। इसमें ना आप लोगों को शॉक प्रूफ प्लास्टिक बॉडी मिल जाती है, ये बहुत अच्छी चीज है। एंड फ्रंट सेफ्टी ग्रिल भी मिल जाती है 180 डिग्री स्मूथ रोटेशन के साथ में, इजिली आप इसको कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं, कैरी हैंडल्स के साथ में आता है। थर्मोस्टेट फीचर भी इसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और ये भी ISI मार्क्ड प्रोडक्ट है। हमने सारे प्रोडक्ट ऐसे लिए जो ISI मार्क्ड हो। दोस्तों इन सभी चीजों के साथ में ना आपको इस हीटर पे 2 साल की वारंटी मिलती है। बात करें प्राइस की तो इसका प्राइस लगभग 3000 रुपीज होने वाला है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता रहता है लेकिन अमूमन यही इसका प्राइस होने वाला है। 3000 रुपीज के अंदर कार्बन हीटिंग एलिमेंट के साथ में आने वाला 3 ट्यूब्स में आती है, ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन आप लोगों के लिए हो सकता है अगर आप लार्ज एरिया में इसे यूज करना चाह रहे हो। अगर आप इसकी तीनों ट्यूब्स को यूज करते हो एट 1200 वोट तो आप लोगों को काफी बढ़िया हीटिंग ये प्रोवाइड करेगा। और मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे बेहतरीन जो एलिमेंट होता है वो कार्बन एलिमेंट ही होता है। खैर इसे या इनमें से किसी भी रूम हीटर को आप अपने लिए डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। इन सभी के बेस्ट बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा भी आप लोगों को दुनिया भर के रूम हीटर्स मार्केट में मिल जाएंगे लेकिन उनको मैं पर्सनली आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि हमारी रिकमेंडेड लिस्ट दोस्तों यही थी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें क्योंकि आप लोगों के एक सब्सक्रिप्शन से हमें ढेर सारी मोटिवेशन मिलती है और इस तरीके का कंटेंट लाने का मन करता रहता है। मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके किसी और वीडियो में। धन्यवाद।